भाइयों नमस्कार। आज की सुबह हमारे साथ हैं एक युवा कलाकार जो अपना परिचय खुद ही देंगे। क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम अर्पित श्रीवास्तव है। मैं मोहल्ला खाइस्तान वार्ड नंबर 2 में रहता हूँ, पूर्णपुर में, और इस समय GNM थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। GNM मतलब नर्सिंग? जी नर्सिंग, नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं। अर्पित जी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि मैंने देखा कि आप स्केच बनाते हैं, किस तरह के स्केच बनाते हैं, ज़रा बताएंगे हमारे श्रोताओं को? जी मैं पेंसिल से स्केच बनाता हूँ, ग्रेफाइट पेंसिल जो आती हैं, चारकोल पेंसिल आती हैं, उन्हीं के माध्यम से। किस तरह के स्केच बनाते हैं आप? ये इस तरीके के कुछ स्केच बनाता हूँ मैं। जी ये तो मेरा ही स्केच बना दिया आपने। हाँ जी, आपका बनाया है। अच्छा जी, ठीक है। ये क्या इस तरीके के स्केच बनाने का ये शौक़ जो है कब से लगा आपको? जी मैं बचपन से ही स्केच जब स्कूल में बनाता था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, तो उसी से मुझे शौक़ चढ़ गया इस चीज़ का। अब तक जो है आपने किन किन बड़ी हस्तियों के स्केच तैयार किए हैं? जी हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का बनाया है, और प्रधानमंत्री जी का बनाया है, नरेंद्र मोदी जी का। इसके अलावा मैंने कई सेलिब्रिटियों का बनाया है, राजनीतिक नेताओं के भी बनाए हैं। स्थानीय स्तर पर भी आप काफ़ी स्केच जारी करते हैं, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर। स्थानीय स्तर पर बात करें तो किन किन लोगों के आपने अभी तक स्केच बनाए हैं? जी मैंने स्टार्टिंग तो रोटी क्लब से की थी, रोटी क्लब के अध्यक्ष श्री कौशलेंद्र भदौरिया जी और शैलेंद्र गुप्ता जी के स्केच बनाए थे। इसके बाद में मैंने संदीप खंडेलवाल जी का स्केच बनाया जो समाज सेवी हैं। इसके अलावा कई वरिष्ठ पत्रकारों के, जैसे कि सतीश चंद्र मिश्र अचूक जी का बनाया, और राम नरेश जी का बनाया है, और कई और नवीन अग्रवाल जी का भी बनाया है। जी मैंने देखा, सौरभ पांडे जी का भी बनाया है। जी जी आज जी तक से हैं जो, मतलब आप, मैं देख रहा हूँ कि जिनके अच्छे चित्र होते हैं कलर, और उनको आप सादा कर देते हैं, रंग विहीन कर देते हैं। मैंने अपनी पुस्तक लॉकडाउन के साथ में कुंडलियाँ भी लिखी थी, आपको समर्पित की थी, इसके पीछे क्या मंशा रहती है? जी कलर से ज़्यादा अच्छा मुझे स्केचिंग ज़्यादा पसंद आती है, तो मैं पेंसिल से ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे बनाना, तो उसी से बनाता हूँ मैं। जब आप लोगों को इस तरीके के स्केच भेंट करते हैं तो वो लोग कैसा महसूस करते हैं, आपसे क्या कहते हैं, कुछ भावनाएँ ज़रूर व्यक्त करते होंगे? जी बिल्कुल, वो काफ़ी प्रोत्साहन करते हैं मेरे काम को, काफ़ी कहते हैं कि आगे बढ़ाओ इस चीज़ को, और काफ़ी खुश होते हैं, काफ़ी मुझे उत्साहवर्धन करते हैं मेरा। इसके जरिए क्या करना चाहते हैं आपको, क्या आप पूरा कोई रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, या क्या विश्व रिकॉर्ड लेना चाहते हैं, क्या है मंशा आपकी? अभी तो ये सिर्फ शौकिया तौर पे बना रहा हूँ, और आगे धीरे धीरे करके अभी कुछ बात काफ़ी सीखना भी है इसमें, क्योंकि अभी मैं इसमें परफेक्ट नहीं हूँ, और आगे चलते चलते देखो कहाँ तक पहुँच जाऊँ, इसका कोई अभी अनुमान नहीं है। यह जो स्केच है आपके पास, ये बताइए हमारे जो दर्शक हैं श्रोता हैं उनको बताइए कि इसे तैयार करने में कितना समय लगा आपको? जी इसे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या आपने अपने घर पर भी कुछ संकलन कर रखा है स्केच का? जी हाँ, काफ़ी स्केच जो मैंने बनाए हैं सेलिब्रिटी को या फिर स्थानीय लोगों को, जिनको मैं नहीं दे पाया, तो वो मेरे पास अभी हैं, रखे हुए हैं। बाकी कई स्केच मैंने अभी वितरित भी कर दिए, लोगों को दे दिए हैं। क्या कभी अपना भी बनाया है? जी अभी तक तो नहीं बनाया अपना, अभी मैं सोचता हूँ कि मैं जो सम्मानित लोगों हैं उन्हीं को ही बनाऊँ। अपने जन्मदिन पर एक अपना भी बनाइए और हमें ज़रूर दिखाइए, जिससे हम लोगों को शेयर कर सकें। अगले वर्ष में अपने जन्मदिन पर अवश्य बनाऊँगा। अच्छा अच्छा, अर्पित जी कभी ऐसा भी हुआ कि आपने किसी का स्केच बनाया और उसने पहचाना ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति मिला? अभी भगवान के आशीर्वाद से ऐसा तो अभी नहीं हुआ है कि स्केच मैंने जिसका बनाया उसे अच्छा ना लगा हो, या फिर उसे समझ में नहीं आया ये किसका स्केच है। क्या ड्राइंग या चित्रकला जो है ना, उसकी भी शिक्षा प्राप्त की है आपने? जी स्कूली दिनों में करता
किया था जो टीचर सिखाते थे, बाकी कोई मेरा अभी तक गुरु तो है नहीं कोई ऐसा। किसे अपना आदर्श मानते हैं आप? जी मैं फिदा हुसैन जी को मानता हूँ। बहुत अच्छा। फिदा हुसैन जी तो काफी विवादित भी रहे थे एक मामले में, तो क्या आप उनका पूरी तरह अनुसरण करेंगे या अच्छी चीजें ग्रहण कर लेंगे? जी मैं चाहता हूँ, सोचता हूँ कि अच्छी चीज़ों को ही मैं ऑब्जर्व करूँ, और बाकी जो विवाद तो हर किसी के साथ चलते रहते हैं। नहीं, चित्र कार्टून बनाने को लेके ही हुआ था, जी, ध्यान होगा आपको। कार्टूनिस्ट में तो मुझे ज़्यादा रुचि नहीं है, मैं स्केचिंग पर ज़्यादा अपना फोकस करता हूँ। जी, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी समाचार धन्यवाद। दर्शन 24 से बात करने के लिए।